हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू अनदर सीरीज। तुम लोगों को पता होगा सेकंड चैनल पे हम लोग ने एक सर्वाइवल सीरीज किया है। अगर तुम लोगों ने अभी तक वो सर्वाइवल सीरीज नहीं देखा है तो जाके देखो, एक नंबर है। मेन चैनल पे हम लोग आज एक वन ब्लॉक का सीरीज शुरू करने वाले जो की एक नंबर रहने वाला है। तुम लोगों ने ट्रेडिशनल स्काई ब्लॉक तो देखा ही होगा, बट ये स्काई ब्लॉक जैसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें जैसे ही तुम लोग एक ब्लॉक तोड़ोगे, तुम लोग देख रहे हो मेरे को नया ब्लॉक मिल गया। दिस ब्लॉक विल रीजनरेट, इसका मतलब कंटिन्यूसली रीजनरेट होता रहेगा और हम लोगों को मिलता रह सकता है। जैसे इन्फिनिट ब्लॉक, इट स्पॉन्स मोर देन डर्ट। आई नो कितना कुछ स्पॉन हो सकता है इस पे। लगा अभी वुड स्पॉन हो गया, एक और वुड, वो चेस्ट भी है। हम लोग एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग के पास वुडन टूल्स तो होना चाहिए, तो वुड को ये कर लेते हैं। मैं चेस्ट तोड़ू तो नॉर्मल ब्लॉक आएगा ना। ए नाइस, एनलार्ज योर प्लेटफॉर्म। ओके, तो वो बोल रहा है एनलार्ज करते हैं प्लेटफॉर्म को, तो अपन थोड़ा बहुत ब्लॉक्स प्लेस करते हैं। मेरे पास एक आइडिया है, रादर देन प्लेसिंग ब्लॉक्स हम लोग सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं। और क्राफ्टिंग टेबल पे, दिस इज सो रिस्की यार, अगर गिर गया तो गया मैं, खत्म एक ही बार में सीरीज। 6 मिल गया, एंड देन आई विल डू दिस दिस दिस। मेरे को पता स्टार्ट ऑफ द सीरीज है, हो सकता है थोड़ा बोरिंग लगे, बट ये तो सिर्फ एक स्टार्ट है। मेरे को लास्ट तक देखने का कि प्लेटफॉर्म का होता क्या है। एनलार्ज योर प्लेटफॉर्म, ओके लेट्स सी। वुड कलेक्ट करते रहते हैं, डर्ट, एक और डर्ट, भर भर के डर्ट मिल रहा है। क्राफ्टिंग टेबल प्लेस करते रहते हैं, अभी हम लोग इसको तोड़ेंगे नहीं। और इसमें से एनिमल्स भी स्पॉन होते हैं, तुम लोग को पता। ओ ये एक नॉर्मल ब्लॉक है, प्लीज मिलना, प्लीज प्लीज। यस 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 यस, गिरा नहीं नीचे। प्लेटफॉर्म दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा बढ़ा लिया है, अभी ब्लॉक्स तोड़ते रहते हैं बस थोड़ी देर तक। ओके, एक और वुड का ब्लॉक मिला। अभी इसके बाद टूल्स बनाते हैं हम लोग स्टोन तोड़ने के लिए। तो स्टिक्स बनाया, वुडन पिकैक्स डन। ईच फेज हैज अ थीम। ओ ये एक फेज है, तो वुड वाला फेज चालू है अभी शायद। ये प्लेन्स फेज है। ओ को स्पेशल गेस्ट पिक, आज हम लोग का स्पेशल गेस्ट है। देखो मैं स्टेबल कैसे रखू कि तू मरे नहीं। थोड़ा सा वो साइड जा प्लीज प्लीज। गिरना नहीं बेटा, गिरना नहीं, पहले से कुछ नहीं है। नीचे नीचे देख ले, कुछ नहीं है, आसमान में खड़े हम लोग। ओ मेरे को धक्का मार रहा है भाई वो। चल पीछे थोड़ा सा, पीछे थोड़ा सा पीछे, तुम लोग के लिए इतना सब कुछ किया है। चलो चालू करते हैं। देयर नहीं, डोंट टेल मी वो बोल रहे फाइटिंग मॉब्स भी स्पॉन हो सकते हैं, तो मैं क्या रिस्क कैसे लूँ मैं फिर। लाइक मेरे को प्लेटफॉर्म को और एक्सटेंड करना पड़ेगा, नहीं तो मैं मर जाऊँगा कोई स्पाइडर वाइडर स्पॉन हो गया तो। थोड़ा दूर से ही तोड़ते। मैंने सुना पानी वो सब भी मिलता है, बट डू नॉट फॉरगेट क्या, सेव योर आइटम्स इन द चेस्ट। आई डोंट नो व्हाट दैट मीन्स। ओ सब आइटम चेस्ट में रख सकते हैं ना अपन। दो सेकेंड, मैं इधर ही चेस्ट प्लेस करके अपने मैक्स टू मैक्स आइटम रख देता हूँ वुड ये सब के, कि अगर मैं गिर के मरा भी तो कुछ प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, अपन नॉर्मल सर्वाइवल में ही है। आई डोंट थिंक सो आई नीड अ पिकैक्स, सब रख देते बस। थैंक यू फॉर दैट एडवाइस। और मैप डिस्क्रिप्शन में जिसको खेलने का जाके खेल सकता है। इफ़ यू फॉल, पता नहीं क्या लिखा था, मैंने पढ़ा नहीं, आई एम रियली सॉरी। तुम लोग तब तक माइनिंग मॉन्टाज देखो, बिकॉज ये लंबा चलने वाला है। मैं चाहता हूँ कि आज मैं नेक्स्ट फेज में जाऊँ, तो मेरे को उसके नीचे एक ब्लॉक प्लेस करने का, मेरे को वो चीज़ बॉदर कर रही है। बट मैं नीचे प्लेस करने के लिए मेरे को पानी चाहिए। प्लेस अ ब्लॉक, क्या प्लेस अ ब्लॉक अंडर द इन्फिनिट ब्लॉक। हाउ डू आई डू दैट, आई डोंट नो हाउ डू आई डू दैट, प्लीज टेल मी। पता नहीं, एक और बार तोड़ के देखते हैं। पानी मिला क्या? यस फाइनली, अभी हम लोग कर सकते हैं। नॉट दिस विल बी ईजी, सिर्फ मेरे को ये वाला ब्लॉक वापस तोड़ना पड़ चाहिए क्या? तुम लोग क्या बोलते हो अगर मैं ये वाला ब्लॉक तोड़ दूँ? बिकॉज मैं अगर नीचे जाऊँगा ना समझो पानी के, तो मेरे को पानी के बीच में क्राउच करना पड़ेगा। आई एम रियली सॉरी, बट ये पहले ब्रेक करते हैं। अगर मैंने कुछ गलत किया और कोई नहीं 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 यस यस यस, उसने बोला एक नीचे ब्लॉक से अपने को सेफ्टी के लिए रखना है। तो सबसे पहले हम लोग पानी डालते हैं इधर, ये पानी इधर भी एक्सटेंड हो रहा है। हम लोग इधर आए, अभी हम लोग को इसके नीचे एक ब्लॉक प्लेस करना है, इधर ऊपर आना है। ये पानी वापस ले लेते हैं, पानी रख देते हैं। नाइस, प्लान डन एंड वी आर डन। अभी जो भी हम लोग आइटम तोड़ेंगे, बात अच्छी है कि सिर्फ ऊपर रहने वाले। वो देखो ग्रैवल नीचे नहीं गिर रहा है, नाइस। इसका मतलब हम लोग ग्रैवल भी ले सकते हैं। पिक नहीं, कूदना नहीं, ठीक है, वी कैन टॉक अबाउट दिस, कूदना नहीं बस। एक्चुअली मेरे को ये सब चेस्ट इधर प्लेस नहीं करना चाहिए, क्रीपर वीपर आ गए और मैं फट गया तो फिर सब फट जाएगा। शुड आई एक्सटेंड दिस प्लेटफॉर्म अ लिटिल बिट, मेरे को डर्ट ये सबसे एक्सटेंड करना चाहिए क्या? डर्ट थोड़ा वैल्यूएबल लग रहा है मेरे को, पता नहीं क्यों। मैं स्काई ब्लॉक बहुत ज़्यादा खेला हूँ, लाइक रेडी फॉर नाउ, आई एम नॉट रेडी फॉर एडवेंचर। मतलब तुम लोग पहले से डराते हो क्या एडवेंचर आता है तो? मेरे को थोड़ा एक्सटेंड करना था प्लेटफॉर्म में, घोड़े में पिकैक्स लेके रखते जस्ट फॉर मारा मारी। प्लेटफॉर्म एक्सटेंड करने के लिए हम लोग स्लैब से ही करेंगे, मेरे बहुत सारे लोगों स्लैब यूज़ करते हुए देखा है, दैट इज आई एम यूजिंग स्लैब। चलो ये तोड़ते हैं, ये मेरा रनिंग चेंबर है। ये वाले एपिसोड में मैं इतना कुछ नहीं करूँगा, बट नेक्स्ट वाले एपिसोड से हम लोग बहुत कुछ लाइक मेन बिल्डिंग चालू करने वाले हैं। मैक्स टू मैक्स अपने को ब्लॉक्स ही तोड़ना है, बट स्टिल रेडी फॉर एडवेंचर लिखा है। आई एम रेडी, श्योरली रेडी। लेट्स सी क्या होने वाला है। व्हाट, क्या चेस्ट है ये? बेनेवोलेंट गिफ्ट, आई डोंट नो व्हाट दैट मीन। पता नहीं मैंने इतने गलत एक्सेंट में क्यों बोला, बट स्टिल अच्छा गिफ्ट दिया उसने हम लोग को।
वुड भर भर के दिया। अपग्रेड इन 9, ओ बेडरॉक, ये मैप इतना अच्छा है, लाइक अपग्रेड होने वाला है। अभी हम लोग प्लेन्स वाले बायोम में थे, अभी देखते हैं हम लोग का कौन सा थीम और कौन सा बायोम आएगा। यू हैव रीच्ड फेज 1, इनफ फ्लावर्स एंड ट्रीज ग्रो हियर एंड लास्ट अ लाइफ टाइम। ओ मैं भूल ही गया था, मेरे पास जितने भी ओक सैपलिंग है, मेरे पास कितने ओक सैपलिंग है, मेरे पास 2 ओक सैपलिंग है, इसको ग्रो करना चालू करते हैं। तो आई नीड अ लिटिल बिट ऑफ डर्ट, आई थिंक मेरे को इधर एक प्लेस करना चाहिए, सो ये तोड़ते हैं। प्लीज नीचे गिरना नहीं, एक भी वुड वेस्ट नहीं होना चाहिए। यस, इधर प्लेस किया, इधर एक ओक सैपलिंग और फिर इधर एक प्लेस करते हैं बिकॉज हम लोग एक्सटेंड करने वाले हैं। इधर एक ओक सैपलिंग, तुम लोग पेड़ जल्दी जल्दी ग्रो, हाँ मेरे को चाहिए वो। तू इधर आ, मेरे को इसके लिए फेंस भी गेट बनाना है, चलो बाद में बनाएंगे। ये शायद वापस प्लेन्स वाले बायोम वाला ही है, हॉस्टल मॉब स्पॉन नहीं कर रहा। चलो ब्रेक करते रहते ऐसी, और नेक्स्ट कुछ हम लोग को अच्छा मिलेगा या फिर कुछ नया चीज मिलेगा तो दिखाता हूँ। ओ ये क्या पॉट्सवल, जो भी है वो डर्ट में कन्वर्ट हो रहा है। क्ले और ओ मेलन्स, फूड मिल गया। एक और कोई पिक जैसा मॉब स्पॉन हो ना तो हम लोग ब्रीडिंग ये सब चालू कर सकते हैं। अलग अलग टाइप के फूड मिलेंगे क्या अभी? आई थिंक अभी अलग अलग टाइप के फूड मिलना चालू होंगे। मेरे को भर भर के डर्ट मिल रहा है तो आई थिंक सो डर्ट का भी। यस यस, मैं दोनों को बोट में रखूँ या फिर फेंस गेट बना लो? दोनों को ब्रीड करने के लिए एटलीस्ट मेरे को कैरेट्स टाइप कुछ चाहिए रहेगा, मेरे पास कुछ है नहीं देने के लिए। लोग को एप्पल खाएंगे तो नहीं लोग। मेरे को बेड चाहिए सोने के लिए, हो सकता है इधर मॉब स्पॉन हो। मेरे पास कोल नहीं है, आई एम पैनिकिंग। ओके लीव इट, मेरे पास वैसे भी स्टोन भी नहीं। तू हट, हाँ तू हट, तू बहुत कोने में खड़ा है, तू भी आ। ए क्या नीचे कूद जाएगा क्या? नीचे इधर आ, इधर आ, बहुत रिस्की है वो। तू चल चल पेड़ के इधर चल, हाँ नाइस। मेरे को तोड़ते रहने दे, अपन रात को सो नहीं सकते। आई एम वेटिंग फॉर ए शीप कि मैं उसको शेयर करूँ, और उसके लिए फिर मेरे को आयरन भी चाहिए। मेरे को कितना कुछ चाहिए और मैं सिर्फ एक ब्लॉक से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। वो मेरे को पम्पकिन मिला, नया है वो। अगर तुम लोग के पास वन ब्लॉक के लिए कुछ टिप्स है तो कमेंट करके बताना प्लीज। अभी जाके कमेंट करो #oneblock और फिर उसके बाद लिखो अंदर। ओ एक काउ स्पॉन हुआ, गुड टू सी एवरी वन हियर। मैं बोट्स बनाऊँ क्या? आई थिंक मेरे को बोट्स बना लेने चाहिए जस्ट फॉर देयर सेफ्टी यार, नहीं तो ये लोग गिर जाएंगे लोग ऐसे चल चल के या फिर मेरे धक्का मारने से। तो बोट बनाने के लिए 1, 2, 3 बोट एंड डन। ये 2 ही बोट हुआ, चल कुछ नहीं। तू इधर आ जा, बैठ जा, मैं प्लेस नहीं कर पा रहा। यस काओ प्लीज कम हियर, तू नहीं गिरना, तू नहीं गिरना, मैं काओ को धक्का मार रहा हूँ। चल बैठ तू, चल। यस तू भी बैठ गया। वो 2 में आप बैठ सकते हैं ना? देखो ये सबसे रिस्की होने वाला है, बट स्टिल आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उसको साथ में बिठा दूँ वो दूसरे पिक के। यस आई थिंक सो एवरीवन इज सेफ नाउ, कोई हॉस्टल मॉब स्पॉन नहीं होना चाहिए। बस लेट्स स्टार्ट डिगिंग एंड यू कैन सी द टाइम लैप्स। वो मेरे को एक टॉर्च मिला कहाँ से, तो पता नहीं कहाँ से बट मेरे को टॉर्च मिल गया। अच्छा ही है यार, मेरे को अच्छा ही लग रहा है। वो एक चेस्ट मिला, बर्च और ओक सैपलिंग। हम लोग को और सैपलिंग मिले तो हम लोग अपना प्लेटफॉर्म थोड़ा और वुड से एक्सटेंड करेगा। नहीं छोड़ो, हम लोग को अभी के लिए पेड़ थोड़ा इंपॉर्टेंट है वुड ये सब के लिए। तो ये इधर बर्च और इधर एक एक्स्ट्रा ये लगा के ओक सैपलिंग। सो आई थिंक बाकी सब सामान रख देते एंड लेट्स स्टार्ट डिगिंग अगेन। जितना भी सैपलिंग आने वाला है मैं प्लेस करते जाऊंगा। आई थिंक सो दैट इज अ गुड चॉइस। ओ शीप, शीप गुड टू सी यू बट आई कैन नॉट किल यू राइट। देखो मैं अगर मार दूंगा ना तो मेरे को कम मिलेगा बोल, तो एकदम मैं देखो शेयर करने का प्लान कर रहा हूँ। तो मैं तेको ये बोट में नहीं बिठाएगा, वो बोट में बैठ। चल 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 चल, एपिसोड 1 में इतना नखरा कर रहे, चल। यस आई एम नॉट रेडी फॉर अ हॉस्टल मॉब स्टिल। नहीं यार मैं स्टोन के फेस के लिए रुका। अगर स्टोन का फेस आ गया ना तो मैं स्टोन के सब इक्विपमेंट्स बना सकता हूँ। ये कौन से चेस्ट का नाम क्या था? प्लेन चेस्ट। ओके प्लेन्स बायोम में ही है अभी हम लोग, तो प्लेन्स में जितना मिल सकता है उतना मिलेगा। ये प्लेन में भी केव्स होते हैं यार, उसमें स्टोन होता है। ओ चिकन, क्योंकि अगर तुम लोग अभी गए तो मेरे लिए रिस्की हो जाएगा। आई थिंक सो मेरे को प्लेटफॉर्म भी एक्सटेंड करना पड़ेगा। मेरे पास 24 आ गए, 1, 2 मैं यही वाले डायरेक्शन में एक्सटेंड करते जाऊँ क्या? मैं ज़्यादा वुड यूज़ कर रहा हूँ क्या? आई एम डाउटिंग माई सेल्फ लॉट, बट जितना मैं अगर मेरे को अगर ओक सैपलिंग में भरोसा, मैंने स्काई ब्लॉक खेला है तो स्काई ब्लॉक में बेसिकली जितना एक भी ओक सैपलिंग भी रहता है ना सब काम हो जाता है। चलो चिकन, आई डोंट हैव सीड्स, डू आई? ओ आई हैव सीड्स, आ जा बस बैठ जा और कुछ नहीं करना। देखो यस गुड टू सी चिकन ऑल्सो अक्वायर्ड। माइन करना वापस चालू करते हैं। ओ एक और पिग, मेरे को तुम लोग को ब्रीड करना है बट मैं कैसे करूँ? मेरे पास पोटेटोज या फिर बीट रूट्स नहीं है, मेरे को उसको पुश करना पड़ेगा। सो आई थिंक आगे बढ़ते रहो और वो चिकन तुम्हारी पार्टनर है। चलो चल मैं नहीं गिराऊंगा, भरोसा रख। प्लेटफॉर्म दिख रहा है फिर भी नहीं भरोसा है। हाँ नाइस, मैंने सबसे पहले ये और ये सैपलिंग प्लेस किया था, मेरे को अभी तक कुछ उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आई डोंट थिंक सो पेड़ को पानी लगता है, सो मैं कुछ देने नहीं वाला इन लोगों को कुछ। वो चेस्ट मिला, 2 लेदर और 1 पोटेटो। 1 पोटेटो का मैं क्या करूँ? मेरे को 2 एटलीस्ट, मैं ब्रीड करूँ फिर। उसे कैंड पोटेटो और सीड से याद आया, अगर मेरे पास इतना सारा डर्ट है और मेरे पास
2 सेकंड यार, आई एम सो डम। मेरे पास इतना सारा अगर ये है, आई थिंक सो आई शुड स्टार्ट फार्मिंग, बट मेरे को फार्मिंग एक लेवल ऊपर करना है जस्ट फॉर सेफ्टी रीजंस कि मेरे का डर्ट जाए नहीं। और सो 3 अपने पास एक्स्ट्रा है, सो ये साइड में 1, 2, 3, फिर उसके बाद इधर इधर प्लीज मिल जाना, प्लीज मिल जाना, नहीं नीचे चले गया, चलो कुछ नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, मैंने इसके भी नीचे कुछ प्लेस नहीं किया है। नाउ आई एम डाउटिंग माई सेल्फ, बट ज़्यादा करके मिल जाना चाहिए, डोंट टेक टेंशन, मैं बोल रहा हूँ। सो आई थिंक मेरे पास 2 है और मेरे पास थोड़ा बहुत वुड है, तो अभी मैंने एक वुडन हो बना लिया। ये डर्ट वाला प्लेटफॉर्म मैं 3 मिनट से एक्सटेंड कर रहा हूँ, और फिर मैं ये जो सेंटर वाला ब्लॉक है इसको तोड़ने वाला हूँ। तो सेंटर कोई एग्जैक्ट नहीं है, तो मेरे को ये तोड़ना पड़ेगा। यस सर, अभी हम लोगों ने ये सब ले लिया, डर्ट को इधर प्लेस करते हैं। अभी हम लोग पानी लेते हैं और थोड़ा 1-2 डर्ट लेते हैं। चलो इधर पानी प्लेस करते हैं। अभी मुझे पता है क्या करना है, मुझे एक इधर ब्लॉक प्लेस करना है, एंड देन मैं अभी इधर ऊपर आ सकता हूँ, इधर प्लेस करना है। इसे मेरे को पानी लेना है, इधर पानी प्लेस करते हैं, एंड देन एक फाइनल डॉट, एंड बैम वी आर डन। अभी हम लोग फार्म बनाने के लिए होल ले लेते हैं और जितने भी सीड्स है वो ले लेते हैं और चालू कर देते हैं एटलीस्ट फार्मिंग। सो 1, 2, 3, 4 एंड 1, 2, 3, 4 अ सीडी प्लेस। चलो अचीवमेंट मिलना भी चालू हो गया। ये 1.16.4 वाला अपडेट है, जस्ट सेइंग कि लाइक तुम लोग को याद रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अभी तुम लोग देख सकते हो मेरे पास मेलन सीड्स है, जिसमें से मैं मैक्स टू मैक्स मेलन रखने वाला हूँ क्योंकि मेरे को चाहिए, और मेरे पास थोड़े बहुत पंपकिन सीड्स है, तो मैं 2 ले लेता हूँ। दोनों को एग्जैक्ट सीड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, एंड आई थिंक सो लेट्स स्टार्ट। सो अगर मैं इधर और इधर प्लेस करूँ और मैं इधर इधर पर रखूँ, फिर ये होगा, और फिर मैं इधर 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 कर सकता हूँ। आई एम राइट, ऐसा करना चाहिए मेरे को, दिस इज मोर एफिशिएंट। फिर मैं इधर नहीं लगा सकता, फिर मैं इधर भी नहीं लगा सकता, मैंने खुद को ब्लॉक कर दिया ये बना के डिज़ाइन। फिर मैं इधर इधर ये तोड़ता हूँ बस, नाइस। फिर इधर और एक इधर लगा। सो आई थिंक सो ये पम्पकिन कैसे भी करके ग्रो हो जाएंगे, अपन अपना आगे का माइनिंग चालू करते हैं। तो बकेट ये अभी तक हम लोग को एक और पानी नहीं मिला, तो ये वाला पानी एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको अपन सेव करके रखेंगे, माइनिंग चालू करते हैं वापस से अगेन। हर एक रिसोर्सेस इंपॉर्टेंट है, डर्ट भी जितना मिल रहा है उतना अच्छा है। एक और चिक और 2 चिकन। नाउ अभी हम लोग थोड़ा बहुत सीड्स मेलन के यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे को एक बोर्ड भी बनाना पड़ेगा। मैं सुनो ना, मैं बोर्ड बना के नहीं और वेस्ट करने से अच्छा रादर वुड वेस्ट कर लेता हूँ और फेंसेस बना लेता हूँ, और एक ही फेंस के अंदर सब मॉब्स को डाल देता हूँ, फिर हम लोग सेग्रीगेट कर लेंगे बाद में जाके। तो स्टिक्स बना लिया, ओके 4 वुड और 2 स्टिक बीच में, तो 4 वुड 2 स्टिक 3 फेंस बस। तो मेरे पास अभी 12 फेंस है, मेरे को थोड़े बहुत स्लैब्स भी बनाने पड़ेंगे। मैं ये साइड से एक्सटेंड करता हूँ, 1, 2, 3 एंड 4, एंड आई थिंक सो मिसिंग 1, हु केयर्स, लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग दिस। आई थिंक सो आई एम मिसिंग दिस, तो इसको ले लेते हैं, इसको इधर लगा देते हैं, एक फेंस गेट और एक फेंस और एक स्लैब बाद में करते हैं। तुम लोग चिकन बस हट जाओ, एटलीस्ट हट जाओ, थोड़ा 2 मिनट प्लीज़, हाँ थोड़ा और वुड मिल जाने दो प्लीज़ फार्म ख़त्म नहीं होना चाहिए इतना जल्दी। एक और काव, इतने सारे मॉब्स कहाँ से आ रहे हैं यार, तुम लोग भी ग्रो नहीं हो रहे जल्दी। इन लोगों को एक एक करके मेरे को डालना चाहिए। एक काम करते हैं, पहले ये फेंस लेते हैं, इसको एक्सटेंड करके इधर लगाते हैं, 1, 2, 3 3 फेंस और ये, ओके हट, 3 फेंस मिल गया, तो 1, 2, 3 इधर एक फेंस गेट आएगा। मैंने सुना उसमें 4 स्टिक चाहिए होता है ना, तो 6 स्टिक हो गया, तो इधर दो और बीच में 2 फेंस गेट, नाइस। अभी मेरे को चिकन्स को अट्रैक्ट करने के लिए, चिकन मरे नहीं ना, नहीं, प्लीज़ कम फास्ट, प्लीज़ यू हैव बीन स्कैम्ड, प्लीज़ लेट मी गो आउट। यस, मेरे को नहीं पता इसको अट्रैक्ट कैसे करूँ, ये बोर्ड, ओ नहीं ये बोर्ड तोड़ दो क्या, मेरे पास हिट बॉक्सेस देखने के लिए कुछ है नहीं। अब मैंने पिक को 2 बार मार चुका हूँ मैं, दैट इज़ वेरी रॉन्ग, वुड तोड़ते रहते हैं फिर भी। अभी मेरे को जितने भी वुड है ना, मेरे को सब कुछ सेव करने चाहिए, मैं मैक्स टू मैक्स अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करूँगा सब लोग को, और ये ग्रो हो तो मुझे कुछ मिले। आई थिंक सो मैं इधर भी सीड्स लगा सकता हूँ, बट मेरे को नॉर्मल सीड्स लगाने हैं। वो पेड़ ग्रो हो गया, गुड टू सी, मेरे को नहीं लगता अभी वुड की कमी होनी चाहिए हम लोग को। अभी हम लोग को पूरा पेड़ हाथ से ही तोड़ना है, बिकॉज हम लोग को सैपलिंग चाहिए और वो सैपलिंग हम लोग वापस लगाएंगे। ये एज वाले पहले तोड़ लेते हैं, मैंने चिकन ने अंडा दिया, ऐसा आवाज आया पता नहीं क्यों, देखते सच्ची में दिया है क्या, डोंट टेल मी एक भी सैपलिंग नहीं। यस, एक सैपलिंग मिला अभी जाके। अभी हम लोग खुद से डिसइंटीग्रेट होने देते हैं, ये बर्च वाला भी उग गया,
इधर इन लोगों ने सच्ची में एग दिया, लेट्स सी इफ दिस इज लकी, इट इज नॉट अ लकी वन। मेरे को लग रहा है हम लोग को भर भर के लाइक वुड मिल जाएगा, सो आई थिंक मेरे को एक और बार फेंस, एक और फेंस के लिए ये बना देना चाहिए, बट मेरे को इसी के बाजू में बनाना है ना, फिर वो अच्छा दिखेगा। आई डोंट नो व्हाट टू डू, तुम लोग कमेंट करके बताओ यार, कुछ एडवाइस दो मेरे को वन ब्लॉक सीरीज पे। और दो चिकन मिले, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, स्कैम हो गया तुम लोग के साथ, योर लाइफ इज अ स्कैम नाउ। एक और एग मिला एंड लेट्स सी इफ इट लकी, इट इज लकी यार। ओ मेरे को प्लेन चेस्ट मिला, दो एग मिला, हो सकता है नॉर्मल एग्स भी काम आए, तो इसलिए मैं जस्ट प्लेस करके रख देता हूँ। मेरे को एक एक्स्ट्रा सैपलिंग मिला, जस्ट मेरे को एक डर्ट चाहिए एंड मैं रैंडमली इधर एक डर्ट प्लेस करके पेड़ लगा देता हूँ। ओके एक और शीप, नाउ दिस इज गेटिंग सीरियस, मैं सो सकता हूँ यार ये सबकी मदद से। ओह वाओ कोई सफोकेट नहीं हो बस, डैम दिस इज सो फास्ट, जल्दी प्लेस कर देते हैं। ये एक वुड रह गया था, इसको भी ले लेते हैं। एक और ओक सैपलिंग, वेट अ सेकंड, इतना जल्दी जल्दी मिल रहा है मेरे को, डर्ट दे दे बस एक और, डैम एक और, कितना ज़्यादा ये है, मैं ट्री फार्म बना सकता हूँ डायरेक्ट। मेरे को बर्च नहीं मिला, आई एम सैड अबाउट दैट, तो फिर मैं इन लोगों का शेयर कर सकता हूँ, सो आई एम वेटिंग फॉर आयरन, लेट्स स्टार्ट डिगिंग अगेन। मेरे हिसाब से आज हमने बहुत ज़्यादा खेल लिया है, लाइक बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज हम लोगों ने इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर दिया, पाँच छः पेड़ लगा दिए, सब पेड़ ग्रो अप हो रहे, इतने सारे मॉब्स है, सब प्लेटफॉर्म के ऊपर है, चिकन्स के लिए मैंने अलग से फेंसेस भी बना दिया है, इधर मैंने एक फार्म भी बना दिया है, एंड आई थिंक सो दिस इज अ गुड स्टार्ट फॉर अ न्यू सीरीज जो हमारे मेन चैनल पे ही जा रहा है। और मेरे को ओक सैपलिंग पे ओक सैपलिंग मिल रहे हैं, तो मैं हम लोग ये सब नेक्स्ट इसमें प्लेस करेंगे, इधर से ही चालू करेंगे, मैं एक भी सीन ऑफलाइन कुछ नहीं करूंगा। अगर तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करना, फीडबैक कमेंट करो, एंड आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो @bebofficial, एंड आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम। चलो बाय।